हेलो दोस्तों, ओम एन फार्म में आपका स्वागत है। आरआरबी सीईएन 03/2019 का रिजल्ट जो है आज घोषित कर दिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें कट ऑफ कितना रहा और नॉमिनेशन में कितना नंबर बढ़ा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा रेलवे से संबंधित इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट सेल चेन्नई का ये जो है हमने खोल रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट अथवा ट्रांसलेशन टेस्ट अथवा परफॉर्मेंस टेस्ट टीचिंग स्किल टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्ट फ्रॉम 15/12/2020 टू 18/12/2020 7/1/2021 बाय द रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी अंडर सीईएन 03/2019 एंड ऑप्शन फर्निश्ड इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है पोस्ट स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ट्रांसलेशन टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए आप लोगों का जो है रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर लिखा है नॉर्मलेशन ऑफ रो मार्क्स हैज नॉट बीन डन सिंस एग्जाम फॉर कंसर्नड कैटेगरी वाज कंडक्ट इन सिंगल शिफ्ट ओनली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आपका जो है नॉर्मलेशन इसमें नहीं किया गया है और आपका जो है एग्जाम क्योंकि एक ही सिंगल शिफ्ट में आपका एग्जाम लिया गया था इसलिए इसमें यहाँ जो है नॉर्मलेशन नहीं किया गया है। इसके बाद दिया है दोस्तों रिजल्ट फॉर ऑल अदर नोटिफाइड पोस्ट विच डू नॉट हैव स्किल टेस्ट अथवा ट्रांसलेशन टेस्ट अथवा परफॉर्मेंस टेस्ट या टीचिंग स्किल टेस्ट विल बी डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ पब्लिशिंग रिजल्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन। ठीक है, और इसके बाद दिया है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट एंड ट्रांसलेशन टेस्ट इन 10 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज एंड द परफॉर्मेंस टेस्ट टीचिंग टेस्ट एंड 2.5 टाइम ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी सब्जेक्ट ऑफ द एबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट। यानी आपका जो है अगला पोस्ट के लिए जो है अगला एग्जाम के लिए 10 टाइम जो है लड़कों को सिलेक्ट किया गया है और इसके बाद जो है सिलेक्ट किया जाएगा 2.5 टाइम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सारा रिजल्ट यहाँ पर दे दिया है, आप लोग इसको चेक कर सकते हैं पूरी तरह। ठीक है, और यहाँ पर एक तो दे दिया है दोस्तों इम्पोर्टेंस बिहेवियर ऑफ द टोट्स हु मेनी मिसगाइड द कैंडिडेट विथ फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग देम सिलेक्टेड ऑफ द जॉब ऑन इलीगल कंसिडरेशन। यानी आप लोग यदि कोई कह रहा है कि आपको जॉब दिला देगा तो ऐसा कुछ भी नहीं, रेलवे आपको जो है पूरी तरह साफ सुथरी काम करती है, किसी तरह का इसमें कोई ऐसा काम नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का ये देखते हैं रिजल्ट दिया हुआ है पूरा, यहाँ पर आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जाएगा दोस्तों तो ये देखिए टोटल स्टेनोग्राफी का है। ठीक है, और इसके बाद ये समाप्त हो जाता है, इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों। और अब जो है आपको बताने वाले हैं कि इसमें कट ऑफ कितना रहने वाला है और कट ऑफ कितना रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कट ऑफ का बात करते हैं और कट ऑफ आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 03/2019 मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी पोस्ट। ठीक है, और ये जो है कट ऑफ मार्क ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर देखिए दोस्तों कट ऑफ मार्क ऑफ द कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट ट्रांसलेशन टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी। यहाँ पर देखते हैं जनरल का जो है 98.666 गया है दोस्तों, 200 नंबर में 98 ले गया है जनरल का, बहुत ही काफी कम कट ऑफ रहा है, लगभग 50% से भी कम कट ऑफ गया है इसका जो है जनरल का। और एससी की बात करें तो 200 में सिर्फ 62 नंबर है, एसटी का 58, ओबीसी का 76, ईडब्ल्यूएस का बात करें दोस्तों तो 82 गया है। ठीक है, ओबीसी से थोड़ा अधिक गया है लेकिन जनरल से कम ही है, एक सर्विसमैन का 112 है। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं कि सारा जो है कट ऑफ आपका दे दिया है, तो यहां से आप लोग कट ऑफ देख सकते हैं। और नॉर्मलाइजेशन की जो बात करना है तो दोस्तों तो नॉर्मलाइजेशन इसमें नहीं किया गया है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन करने का जो है सिस्टम ही नहीं हो पाया, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तब किया जाता है दोस्तों कि जब अधिक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम लिया जाता है, कई शिफ्टों में जब एग्जाम होता है तब आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ये एग्जाम सिर्फ एक ही शिफ्ट में लिया गया था इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं किया गया है। यानी जितना नंबर आपका आया है उतना ही नंबर पर आपको सेलेक्ट किया गया है, तो आप लोग जब एंसर किया होगा तो आप लोग चेक किए होंगे कितना नंबर आया था।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल ऑनलाइन फार्म के साथ, और एनटीपीसी का रिजल्ट जल्द ही आने वाला है दोस्तों। जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको ऑनलाइन फार्म पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।